गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम अगेन। आपने और मैंने बहुत सारी वॉक्स तो की होंगी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशंस पर, और बहुत इन्जॉय भी किया होगा। लेकिन आज की जो वॉक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज की जो वॉक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ या करने जा रहा हूँ वो है पेड़ों के ऊपर, एक्चुअल में पेड़ों के ऊपर। आइए देखते हैं। रेडवुड वॉक बहुत सारे पेड़ों के ऊपर दूर दूर तक ब्रिज जोड़ के बनाई गई है। वॉक पर मैं लास्ट नाइट भी आके जा चुका हूँ। और रात के टाइम पूरा जंगल में पेड़ों पर, ब्रिजेस के ऊपर बिल्कुल सब लाइटें लगी होती हैं, जो वैसे बहुत ज़्यादा चमकता तो नहीं है लेकिन बहुत सुंदर लगता है। पूरे ब्रिजेस को क्रॉस करने में करीब आधा घंटा लग जाता है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है कि एक ब्रिज के ऊपर 8 लोगों से ज़्यादा एक बार में नहीं चढ़ सकते, और बीच बीच में प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ रुक करके आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और नज़ारा ले सकते हैं। बहुत हिलते हैं ब्रिज। हेलो हेलो, absolutely love it. I was here last night. Oh, nice. And then I came back again. I'm a very fresh YouTuber, so I just take some glimpses of beautiful places. Cool. And I put on my channel.
are not very popular, but yeah, I'm still. What's your channel? Rome with Harry. I'll look it up. Well, lovely, thank you. Yeah, well done. Thanks. Night or day? Both, because night was beautiful lighting and you can see, but day in the daytime you can see the actual beauty of the trees. Exactly, yeah. Yeah, and then at night time it turns into like a magical fairy forest. Absolutely. I was wondering, those tiny, you know, spotlights that were running around the trees. Yeah. And that was amazing. Like, I don't know how, I can see there must be some sort of a projection going on. Yeah. But on the branches, on the leaves. You'll see all the lanterns up in the tree. Yeah. So they, when they're lit up at night, they, because of the shape of them, they project those pretty patterns on the ground. Ah, right. Okay. Yeah. From those hangings. Yeah, over from there. Those hanging lanterns. Lovely. Oh, yeah. This is so beautiful. And then like all the green spotty fairy lights. Those are laser, green laser lights. Okay. Oh, yeah. That's right. That's what I was wondering. This is so cool. Yeah. It is so beautiful. So, and like when it's raining, you can actually see the laser lines like shining through the raindrops. So oh, really beautiful. Cool. I can 100% be sure. Yeah. All right. I hope you enjoy the rest of your walk. You too. Thank you. ब्रिजेस को बहुत अच्छी तरह से सिक्योर किया गया है रोप्स के साथ, ये लोहे की मोटी मोटी वायर्स। और हाइट देख सकते हैं आप, काफी ऊंचाई पर है। रात के टाइम बहुत सारी लाइटें ऐसे जलती हैं जैसे जुगनू हो, छोटे छोटे लाइट्स, और हैंगिंग लाइट्स भी हैं। तो सामने कुछ हैंगिंग्स हैं, इनके अंदर लाइटें जलती हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है, रात को भी। रात का व्यू अलग है और दिन का व्यू अलग है। दिन में आप जंगल को अच्छे से देख सकते हो, रात को जंगल में चमकते हुए लाइट्स, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। यहाँ से रास्ता घूम के वापस जाता है। जंगल अभी आगे काफी है। झिंगर्स, बीटल्स की आवाज। पेड़ों की सेफ्टी के लिए लिखा गया है कि पेड़ों को टच ना करें। ये जो बार्क है ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, उखड़ेगी तो उसको दोबारा चिपकने में मुश्किल होगी, जिससे पेड़ की एक्चुअल हेल्थ को डैमेज होता है, नुकसान होता है। रात को जब मैं आया था तो यहाँ बहुत लोग थे, काफ़ी भीड़ थी, और सेफ्टी के लिए जैसे नॉट मोर देन 8% ऑन द ब्रिज रोका हुआ था जगह जगह लोगों को आने के लिए, लेकिन अभी तो बिल्कुल खाली है, बहुत थोड़े से लोग हैं। और हायर ग्राउंड जा रहा है, यहाँ से स्टेयर्स भी झूले पे बनाई हुई हैं, झूले की तरह लगा रखा है इनको भी, लेकिन बहुत अच्छा डिज़ाइन है।
न्यूजीलैंड में नेचर को, लैंड को बहुत बहुत अहमियत दी जाती है, बहुत केयर से रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी हरियाली, ग्रीनरी चारों तरफ होने के बावजूद, घने जंगल होने के बावजूद, यहाँ पर कोई ऐसा डेंजरस एलिमेंट, डेंजरस एनिमल, डेंजरस इंसेक्ट नहीं है। आप नंगे पैर रात को किसी भी टाइम घास में जा सकते हो, घूम सकते हो, कोई स्नेक्स नहीं है, स्कॉर्पियंस नहीं है। यहाँ पर एक स्पाइडर है जो थोड़ी, कहते हैं वाइट टेल स्पाइडर है, थोड़ी डेंजरस है, अगर वो काट ले तो बहुत पेनफुल होता है और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा ऐसा यहाँ कोई रिस्क नहीं है किसी किस्म का, तो नेचर की तरफ से भी रिस्क नहीं है और लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, किसी से ऐसा कोई रिस्क नहीं है। आप रात को आराम से अकेले घूम सकते हो, जा सकते हो, कहीं भी ओपनली घूम सकते हो, ऐसा कोई डेंजर, कोई रिस्क नहीं है। ऋषिकेश की तरफ जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि कैसी फीलिंग आती है जब आप लक्ष्मण झूला या राम झूला क्रॉस करते हैं। ये उसका कुछ कुछ छोटा वर्जन है, पर हिलता कुछ ज्यादा है। चलिए, ये वीडियो एंड करने का टाइम आ गया। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत सुंदर लोकेशन पे, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप कभी न्यूजीलैंड घूमने आए तो ये जगह मस्ट विजिट है, रोटोरुआ में। और अगर आप नहीं भी आए तो वीडियो देख के आप इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर डे।